आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज क्लास टेंथ का अपन ट्राइंगल का पीछे वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं। आज उसके आगे की कुछ बातें अपन पढ़ रहे हैं। पीछे वाले अपने जितने भी टॉपिक हैं आगे पीछे के अपन प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो चैनल्स को सब्सक्राइब करके। अब हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि उसके दो बातें आपने पढ़ी थी कि कोई भी टू ट्राइंगल सिमिलर होंगे यदि उनके देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट बात तो ये होनी चाहिए कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सेकंड है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन ए इन द सेम रेशियो। ये दोनों बात उन दोनों ट्रायंगलों के अंदर होनी चाहिए तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हमने पीछे वाले वीडियो में भी ये बात की थी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो भी रेशियो है इसकी, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होती हैं तब उनकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। इस संबंध में एक थ्योरम है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। थ्योरम है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्कनेक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द इम्पोर्टेंट थ्योरम है समझने के लिए। इसका रिजल्ट तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा इस थ्योरम का। ये थ्योरम कह रही है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी एक साइड है डी ई। अपने को इस ट्राइंगल में इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि सिंपल लैंग्वेज में बीसी और डीसी पैरेलल हैं किसी भी ट्राइंगल में। ये साइड
और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, डी ई बी सी डी ई यही था, ये यदि पैरेलल दिया हुआ है देन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इनका जो रेशियो है, यानी आप ऐसे लिखें यहाँ ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। पहले आप इसका रिजल्ट देख लिए, रिजल्ट देख लो इस थ्योरम का। इस थ्योरम को सिंपल लैंग्वेज में कोई भी ट्रायंगल है उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन खींच दी, आप साइड खींच दिए, अब इनका जो ये डिवाइड करती हैं इनका रेशियो है वो बराबर आएगा, यानी ए डी अपॉन डी बी लिख दो चाहे बी डी ए ई अपॉन ई सी ये होता है। ठीक है, ये प्रूव करना है लेकिन आपको इस रिजल्ट को लर्न भी करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए आप जैसे कि मैंने इनको इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, एक पैरेलल मैंने इधर खींच दिया परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर एम पॉइंट ले लिया और एक इसके परपेंडिकुलर ले लिया एन, यानी हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की है, कुछ कंस्ट्रक्शन की है, और जब भी क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डेफिनेट रूप से आप लिखना पड़ेगा आपको, आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन यानी दो लाइन लिख दो चाहे मीट, एक तो आपने क्या कह रहा डी एम परपेंडिकुलर ए सी और आपने किया ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ये परपेंडिकुलर 90 बनाते हुए इस लाइन पे पूरी पे है ये और ये इस पूरी लाइन पे है, साथ ही आपने बी ई और डी सी भी खींचा, बी ई एंड डी सी टू मीट या ड्रू जो भी आप लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया, मैं स्टेटमेंट मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट लैंग्वेज में तो आपके याद होता है कि नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया, एरिया ट्रायंगल ए डी ई मैं अपॉन कर रहा हूं, दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं, एक बार मैंने ये ले लिया ट्रायंगल बी डी, कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ए डी ई ले रहे हैं और इधर वाली ले रहे हैं ना, इसलिए आप ये ले लें पहले बेस, ये ले लें बेस, क्या ले लें ए डी और इसकी हाइट क्या हो जाएगी डी एम, हाइट क्या हो जाएगी अब इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में बेस तो ये आ जाएगा बी डी, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात ये है इस ट्रायंगल का एरिया ये बेस तो ये हाइट, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ ये बेस तो हाइट, अब आप कह दो कि इसकी हाइट कौन सी हुई, हाइट देखो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है तो इस ट्रायंगल की हाइट भी यही आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह अपन मैं दोबारा ट्रायंगल ले रहा हूँ ए डी ई और हाँ ये डी सी, वही इसका हाफ, देखिए आप इधर वाला ले रहे हैं तो आप इसका क्या लेंगे बेस ये लेंगे ए ई, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी ई ए अपॉन डी सी का ये क्या जाएगा
इसी और इसकी भी क्या आ जाएगी, इधर देखो डीएम से डीएम कट गया, यहाँ ईएन से ईएन कट गया, तो ये तो आ गया ए ई बटे, आपने नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के अंदर की थी, नाइन्थ की एक्सरसाइज ही थी नाइन्थ में, कि जैसे कि ये पैरेलल लाइन है और सेम बेस पे ये ट्राइंगल बन रही है, सेम बेस पे ये ट्राइंगल बन रही है, तो दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा, और ऊपर सेम है ही, इसलिए इक्वेशन वन और टू क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि इसका न्यूमरेटर तो सेम आएगा क्योंकि ए डी ही है, आप कैसे भी एरिया निकालें, ट्राइंगल एक ही है तो एरिया तो इक्वल आएगा, लेकिन नीचे वाली ट्राइंगल अलग है, बी डी ई और डी सी ई अलग है, दोनों ट्राइंगल क्या है, अलग है, लेकिन उनका एरिया समान है, क्योंकि वी नो दैट सेम बेस एंड सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसका इक्वल होता है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देखिए, ये तो है ए डी बटे बी डी और ये है ए ई बटे, यही बेटा अपने को प्रूव करना था, इसी की अपने सेकंड थ्योरम पढ़ रहे हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी मैं रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए एक ट्राइंगल है, जैसे कि आपने एबीसी ले लिया, क्या ट्राइंगल का नाम ले लिया एबीसी, और एक डी ई काट रहा है, एक जगह डी पे काट रहा है, एक जगह ई पे, आपको गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो रेशियो है ए डी इज इक्वल टू, जैसे पीछे वाली आपने जो पढ़ी है इनवर्स पढ़ रही, ये तो दिया हुआ है कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल है, तो आप प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको डी ई पैरेलल, डी ई क्या है पैरेलल है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए मैं ये मानता हूं कि डी ई पैरेलल नहीं है, ए पॉइंट की जगह एक अदर लाइन है, ई डैश ले लिया, यानी हम मान रहे हैं कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी, बाई अज्यूम कंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते, कंस्ट्रक्शन लिख देंगे तो वास्तव में पैरेलल हो जाएगी, फिर तो गड़ हम मान रहे हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई है बी सी नहीं है, ठीक है, और अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि टू पैरेलल लाइन होती है उनका रेशियो क्या होता है सो, तो आप उस थ्योरम से क्या लिख सकते हो ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई डैश
अपॉन ई डैश सी, एक बार देखिए छोटा सा थ्योरम है, ये पैलर है ए डी अपॉन बी डी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी या सी ई डैश लिख सकते हैं अपन। और जबकि अपने को दिया हुआ ये है, दिया हुआ ये है, ये अपन ने पैरेलल लाइन अलग मान ली हमने कि ये नहीं अलग है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप करें तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देन राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, यानी ए ई, या मैं ये लिख दूं ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश, ठीक है। अब मैं एक बार इन दोनों को ले रहा हूँ, एक बार इन दोनों को ले रहा हूँ, मैं इन दोनों को लिया ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश ई, देखिए ये आया अपने पास, मैं इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश, मैं दोनों तरफ एक सम कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं भाई सम, कई पूछना बोले सर ये एक सम कर दिया क्यों, क्योंकि हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, ये अलग नहीं है, यानी डी ई डैश और डी ई एक ही लाइन है, यानी पैरेलल लाइन दो नहीं हो सकती जब रेशियो इक्वल हो, ठीक है ना। यानी इसको ये कहें कि रेशियो इक्वल है तो ये डी ई ही पैरेलल लाइन हो, एक प्लस कर दिया तो ये आ गया आपका ई सी प्लस ए ई बटे ई सी, देखिए बेटा ई सी ध्यान से देखना ई सी प्लस ए ई क्या आ गया ए सी, ई सी प्लस ए ई, ए ई प्लस ई सी क्या लिख दिया नीचे सेम लिख दिया, ए ई डैश ई डैश सी इसको क्या लिख दिया। अब आप इन दिनों को ध्यान से देखो एक बार आंखें खोल के, इसका न्यूमरेटर बराबर है दोनों का तो डिनोमिनेटर भी बराबर होगा, यानी ई डैश सी इज इक्वल टू ई डैश, यानी ई सी इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तभी हो सकता है जब ई और ई डैश सेम पॉइंट हो, अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये तो अजूम किए थे हमने, जबकि वास्तव में एक ही पॉइंट है, इट मीन ई एंड ई डैश इज सेम पॉइंट, सो डी ई पैरेलल बी सी,